फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पेड़िया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था आपको बता दूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या है। ठीक है, इस बार जो एजुकेशन पॉलिसी आपका चेंज हो गया है और आप एडमिशन लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा अलग यहाँ पर जो है देखने को मिले, या आपके आने वाले साल जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये इम्प्लीमेंट होता दिखे आपको। और मैं बता दूँ ये काफ़ी खास है यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें मैं बतलाऊँगा आपको जो इसके मेरिट्स है डिमेरिट्स है दोनों पे बात करूँगा, क्योंकि जो 100% कोई भी पॉलिसी अच्छा नहीं होता ये आपको मानना होगा। क्योंकि इस पे जो होते हैं बहुत से पॉलिसीज आते हैं तो उस पे यहाँ पर जो है किसी लोगों को बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है तो बहुत लोगों को यहाँ पर नुकसान भी होता है। इस वीडियो पर हम बात करेंगे कैसा है एजुकेशन न्यू पॉलिसी यहाँ पर जो है, और न्यू पॉलिसी कैसा है और किस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी जितनी बेनिफिट होगी आपको सबको बतलाऊँगा और क्या है वो भी आपको बतलाऊंगा। काफ़ी लेट हो गया है मैं जान रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा था बहुत पहले से अपडेट करने की पर मुझे सही से टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था। इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, मैं इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ इस पर। ठीक है, आसानी से आप समझ जाएंगे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और मैं आपसे जो जुड़ी चेंजेस है उस पर बात करूँगा। यहाँ जो मेजर चेंजेस है जैसे यहाँ पर बोला गया स्टेटमेंट दिया गया है गवर्नमेंट से उस पर मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, आपको जो रिलेटेड है आपसे जिसे आपको इफेक्ट होगा उस पर मैं बात करूँगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चलिए जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है। शुरू करने से पहले बता दें काफ़ी बेनिफिशियल चैनल है मेरा, मैंने काफ़ी सारे जो है कॉलेजेस को कवर करा है, स्कॉलरशिप की वीडियोस अपलोड करी है और आप जो कमेंट सजेशंस करते हैं उस पर वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आगे चलकर भी जो मेरा चैनल है वो आपको काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो बता दें जो 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो इंटर में जो जो आप एडमिशन ले रहे हैं आप उनको बता दूँ कि आप लास्ट बैच होंगे अपने बैच के। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर जो हो सकता है इंटर में पढ़ाई बंद हो और इंटर का जो है नॉर्मली जो इंटरमीडिएट का आप डिग्री लेते थे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके जगह में क्या आएगा आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो है न्यू स्ट्रक्चर आ गया है। 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, 5 साल, फिर 3, तो आपका 8 क्लास हो जाएगा। और 8 क्लास के बाद यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 11 के साथ आप करने लगेंगे ग्रेजुएट। यहाँ पर आपको 12 क्लास नहीं करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। अप टू 5 प्री स्कूल, 6 to 8 मिडिल स्कूल है, 8 से 11 यहाँ पर आपका हाई स्कूल होगा और ऑनवर्ड 12 से आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी ग्रेजुएशन के लिए आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पर करना पड़ता है 2 साल को, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर पाते हैं। तो आप ईयर वही लग रहा, चेंजेस नहीं मिल रहे ईयर में, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर जो है 1 साल आपको कम पड़ेगा। ठीक है, एनी डिग्री विल बी 4 ईयर, आपको डिग्री लेने के लिए यहाँ 4 साल आपको पढ़ना ही होगा जैसे नॉर्मल आप करते थे। 12 तो इंटरमीडिएट की डिग्री मिलती थी पर यहाँ पर जो है ग्रेजुएट की डिग्री आपको मिलेगी 4 साल बाद यहाँ पर। तो ईयर इक्वल है, आप समझ सकते हैं किस तरह से आप इक्वल यहाँ पर कर दिया गया है। ग्रेजुएशन वालों को 4 साल यहाँ पर कर दिया गया है जो नॉर्मली 3 साल है। 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल यहाँ पर आपको बतला दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी वोकेशनल कोर्सेज जो है पढ़ाई नहीं कराई जाती और ये आपको इंटर में अवेलेबल होता है या इंटर के बाद अवेलेबल होता है नॉर्मली कॉलेजेस और स्कूल्स में, पर यहाँ पर बोला गया है आपको 6th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों मैं बता दूँ इतना आसान नहीं है इसे इम्प्लीमेंट करना, इसे इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ मुझे लगता है यहाँ पर जो है 2030 आपका आ जाएगा इम्प्लीमेंट करते करते सारे जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इसका, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्सेस आप देख सकते हैं सरकारी और प्राइवेट में ऐसे फैसिलिटी नहीं होती है जैसा स्टैंडर्ड यहाँ पर चाहिए वोकेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ऐसे फैसिलिटी आप बोल सकते हैं अच्छा लगता है सुनने में पर रियलिटी कुछ अलग है। आप यहाँ पर जान सकते हैं हालत कैसे रहती है कॉलेजेस स्कूल्स की, सरकारी स्कूल्स आप देख लीजिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर इस पर गवर्नमेंट ज़्यादा फंड ना दे, अगर ज़्यादा काम ना करे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और फंड भी दे अच्छे से काम करे तो 2030 तक आपका ये देखने को मिलेगा वोकेशनल कोर्सेज जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी पढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। 8 से 11 स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट, तो मैं बता दूँ ये सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर है कि 8 से आप जो स्ट्रीम में, यहाँ पर स्ट्रीम भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ पढ़ना चाहते हैं साइंस तो आप दोनों पढ़ सकते हैं यहाँ। 8 से आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी हर स्कूल में, जो बहुत ज़रूरी था क्योंकि जाते थे हम 11 के बाद यहाँ जो है हमें स्ट्रीम मिलता था। ठीक है, और 11-12 में सब स्ट्रीम में चेंज हो जाते थे जैसे कॉमर्स BA और मैथ, और काफ़ी यहाँ पर जो है ट्रॉल चलता था, एक स्ट्रीम वाले दूसरे को करते थे और वगैरह बहुत सारे ऐसे जो है FB में पोस्ट आप देखते ही होंगे किस तरह से एक दूसरे को यहाँ पर इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की जाती थी, वो अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है आपका
कोर्सेज जो है अवेलेबल हो जाएगा सबके लिए, स्ट्रीम हट जाएगा और कोई भी किसी भी कोर्स कर सकता है। जैसे मैथ के साथ आपको यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे आर्ट्स वाला सब्जेक्ट रख सकते हैं, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट रख सकते हैं। एक आर्ट्स का जो बच्चा था जिसे पढ़ना था पॉलिटिकल साइंस, वो मैथ भी रख सकता है। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर एंड माइनर। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा था, जैसे साइंस स्टूडेंट हैव फिजिक्स आप ऐसे मेजर रख सकते हैं, और यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट में आप कुछ भी रख सकते हैं, कम्बिनेशन में म्यूज़िक भी रख सकते हैं अपना, जैसा आपको मन यहाँ पर चाहे। यहाँ पर जो है मेजर और माइनर में ये जो है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ एक यहाँ पर आपको है, ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न्ड बाय ओनली वन अथॉरिटी, ठीक है, UGC, ICET, AICT आपको पता होगा। यहाँ पर दो अथॉरिटी है, दो चलाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको यहाँ पर कराती है, UGC और AICTE का भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये गवर्न करती है, उसके यहाँ पर रूल और रेगुलेशन से यहाँ पर चलता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको इमर्ज कर दिया जा रहा है, इसमें मैं बता दूँ, इस पर मैं राय अपना नहीं दूंगा कि अच्छा हो रहा है या बुरा, ये तो बाद पे पता चलेगा कि किस तरह से गवर्न करती है, किस तरह से यहाँ पर आगे होता है काम। ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्राइवेट ओपन डीम वोकेशनल एक्सेट्रा विल हैव सम ग्रेडिंग एंड अदर्स रूल। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ जो वोकेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे यहाँ पर जो थे, सबका एक ही जो है सिस्टम हो जाएगा, एक ही ग्रेडिंग सिस्टम। आप अभी देखते होंगे कि किस तरह से आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं आप, जैसे आपका मार्क्सिट GPA में रहता है या ग्रेडिंग सिस्टम में रहता है, तो आपको वहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप जाएंगे आगे के क्लास में तो सबका परसेंटेज के बेसिस पे मार्क्स रहेगा, परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पर आप एक मतलब कि ग्रेड सिस्टम रहेगा। हो सकता है आपका ग्रेडिंग सिस्टम किसी भी हिसाब से हो सकता है, CGPA परसेंटेज या कुछ भी, पर सबका सेम रहेगा, किसी भी सिस्टम अलग नहीं रहेगा। यहाँ पर किसी का भी जो है मेजरिंग पॉइंट यहाँ पर ग्रेडिंग से मतलब कि अलग क्राइटेरिया से नहीं किया जाएगा। न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर्स इन कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज। तो मैं बता दूँ, ये थोड़ा हो सकता है अच्छा देख सुनने में लगे, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। यहाँ पर जो है टीचर ट्रेनिंग ये दो लोगों के अंडर में आता है, सेंट्रल वाले के अंडर में भी आता है और स्टेट वाले के अंडर में भी आता है। तो यहाँ पर जो है अब सिर्फ यहाँ पर एक तरह की हो गई टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी, और यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टेट जो है इसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं बता दूं, यहाँ जो सेम लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन टू एनी कॉलेज बेस्ड ऑन इट्स रेटिंग, कॉलेज विल गेट ऑटोनोमस राइट टू इन एंड फंड्स। तो मैं बतला दूँ, ये मैं बतलाता हूँ ये ख़राब है, क्योंकि ये जो है थोड़ा प्राइवेटाइजेशन पे बढ़ावा दिया जा रहा है इस पर, और जो प्राइवेट है ऑटोनोमस कॉलेजेस है उस पर उनको राइट दिया जा रहा है यहाँ पर कि वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है ये फ़ी बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा फ़ी बढ़ा दे आपका और आपको एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आप देखते ही होंगे कितना डिफरेंस रहता है गवर्नमेंट और यहाँ पर जो है प्राइवेट और ऑटोनॉमस कॉलेजेस, उसमें कितना डिफरेंस होता है। और रेटिंग के हिसाब से अगर कर दी जाएगी तो आप यहाँ पर फंड्स और इस पर कुछ भी गवर्नमेंट नहीं पूछताछ करेगा, क्या कहाँ से गवर्नमेंट मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस को यहाँ पर फंड आ रहा, और वो जो है वहाँ पर फंड ले सकते हैं, कुछ भी इस पे रोक नहीं है। ये ख़राब यहाँ पर बात है इसका, ये पॉलिसी का। न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर द पेरेंट टू टीच चिल्ड्रेन अप टू 3 ईयर्स इन अ होम एंड फॉर द प्री स्कूल। तो मैं बता दूँ, प्रोग्राम एक क्रिएटेड किया जाएगा गवर्नमेंट से, और आपको सुन के हैरत होगी कि अभी भी एक प्रोग्राम है किस तरह से पढ़ाना है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल आपको लगता है तो हो सकता है, ये आप पे है किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्सेज, तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मिल सकती है और एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्सेज, आप अगर किसी को करना चाहते हैं किसी को नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पर कोर्सेज को छोड़कर भी जा सकते हैं, आपको वहाँ डिग्री मिल जाएगी। मल्टीपल एंट्री का यहाँ पर मतलब है कि आपको हो सकता है किसी भी कोर्सेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मिल जाएगी। पर ये जब लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तब देखा जाएगा कि क्या हम मल्टीपल कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ कितने कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो अलाउ नहीं है ये, तो ये आगे देखा जाएगा, अभी तक तो इम्प्लीमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, ये पेपर में ही है बस। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको अच्छे से पता चलेगा इसका, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्सेज। क्रेडिट सिस्टम फॉर द ग्रेजुएशन, फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट विच ही कैन यूटिलाइज इफ ही टेक्स ब्रेक इन द कोर्सेज एंड कम बैक अगेन इन द टू कम्प्लीट कोर्सेज। तो मैं बता दूँ, क्रेडिट सिस्टम जो ग्रेजुएशन का है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ देते हैं बीच में ही ड्यू टू सम प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उनको जो है क्रेडिट सिस्टम में ग्रेड्स दे दिए जाएंगे, जिससे वो आकर फिर से वो कम्प्लीट कर सकता है कोर्सेज, तो यहाँ पर जो है साल बर्बाद नहीं होगा। ऑल स्कूल एग्जाम विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर, दोस्त
सेमेस्टर वाइज मैं बतला दूँ, दो जो अभी भी नॉर्मली यही फॉलो होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में ज़्यादा एग्जामिनेशन ले लिया जाता है, वो अलग है, स्कूल्स में तो अब सारे जगह यहाँ पर जो होगा सेमेस्टर वाइज लिया जाएगा, साल में 2 बार आपका एग्जामिनेशन होगा। सेमेस्टर वाइज में यही होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, इसी तरह से आपका जो है स्कूल में भी इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा और कॉलेज में भी। द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू द कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। मैं हमेशा सोचता था यहाँ पर जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा रहता है, हम काफ़ी ज़्यादा जो है वास्ट मतलब पढ़ते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स को और सिलेबस को, तो मैं बता दूँ ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो जो लोड है जो बोझ है हम पे वो थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर 18 में बतला दो पॉइंट जो है, मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। यहाँ मैं बतला दूँ उनके लिए दिक्कत है, जो सिर्फ रटते थे और आंसर लिखकर अच्छा स्कोर करते थे, क्लास का टॉपर बनते थे, अब ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब जो फोकस है वो स्टूडेंट का प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज में क्या है, वो किस तरह से है और उसके पास नॉलेज कितना है, वो पेपर वर्क में भले मार्क्स नहीं लाता पर प्रैक्टिकल वर्क में कितना लाता है उस पे आप यहाँ पर डिपेंड करने वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आप अच्छे जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपग्रेड करेंगे, यहाँ पर अच्छे प्रमोट करेंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है, इस पे इसके बेसिस पे। फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्सेज इफ़ स्टूडेंट कम्प्लीट 1 ईयर ही विल गेट द बेसिक सर्टिफिकेट, ही कम्प्लीट 2 ईयर्स देन ही विल गेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इफ कम्प्लीट फुल कोर्स देन ही विल गेट डिग्री सर्टिफिकेट। तो यहाँ आप मैं बता दूँ ईयर बर्बाद नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको यहाँ पर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिल जाएगी 2 साल के बाद यहाँ पर अगर आप कोर्स करते हैं, और अगर आप 1 साल का करते हैं तो बेसिक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी, और 2 साल आपको करना होगा क्योंकि 4 साल का डिग्री सर्टिफिकेट हो गई है, तो 4 साल आपको यहाँ पर करना होगा टोटल, तब आपको जाकर यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट मिल पाएगा जो है डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज फील्ड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ विल बी गवर्न बाई सिंगल अथॉरिटी विद कैपिंग ऑन द ईच कोर्सेज। जो ग्रेजुएशन कोर्सेज फील्ड है वो ऑल यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं सबको गवर्न एक सिंगल अथॉरिटी करेगी, और ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एक मतलब कि एक जो है गवर्न करेगी सिंगल अथॉरिटी, पर स्टेट के मुकाबले आप यहाँ पर सोचेंगे स्टेट अथॉरिटी को देखेंगे, स्टेट बाउंड्री को देखेंगे इन एरिया ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि अभी जो है हमारे जो है स्टेट भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ रहती है, स्टेट की भी सेंट्रल की भी, तो यहाँ पर कंट्रोल किसके पास जाता है उस पर देखना है बात पर, कैसा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है दोनों है, पर पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर नेगेटिव से, और इम्पैक्ट जो है बाद में हो सकता है सुधार करें तो काफ़ी अच्छा और भी हो जाएगा, इसे बेस्ट बनाने की ज़रूरत है। आपको कैसा लगा ये पॉलिसी आप मुझे कमेंट करके बताइए, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान पाए किस तरह से न्यू पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो पॉलिसी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो ज़रूर पूछिए मुझसे, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स के आंसर करने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।